ओके तो गुड मॉर्निंग बच्चों, ये बताइए लास्ट टर्म में थोड़ा सा छूट गया था ना, ठीक है, तो वहां से ले लेते हैं हम लास्ट पैराग्राफ हम फिर से ले लेते हैं, ठीक है। यस मैम। लास्ट पैराग्राफ क्या था? वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और यह फैसला किया। इसमें देखिए स्टार्टिंग से क्या थी स्टोरी, वीरू एक लड़की है और उसकी माँ ने उसे एक संदेशा यानी एक कागज में संदेशा लिख करके उसको अपनी बहन के घर भेजा था कि जाओ उसे मासी को दे देना। तो वीरू, गुड मॉर्निंग बेटा, वीरू जो है वो अपनी मासी के यहाँ पहुंचती है और मासी के यहाँ पहुंचने के बाद मासी उसे अंदर बुलाती है। जैसे ही वो बैठक में जाती है तो एकदम से खिसक जाती है, खिसक जाती है अचानक से उसके कदम रुक जाते हैं, रुक जाती है वो। क्यों रुक जाती है? क्योंकि उसने बैठक में क्या देखा था, बहुत सारी किताबें देखी थी। वो अचरज से उसने देखा कि अरे मौसी के यहाँ तो बहुत सारी किताब है, पूरी पूरा रूम जो है वो किताबों से भरा है। तो वो क्या करती है, उसकी मौसी ने उसको दिखाया कि ये तो बहुत सारी किताबें हैं। और तो वीरू पूछती है कि मौसी क्या बच्चों के लिए भी किताबें हैं? तो मौसी ने वीरू को बताया कि ये खाना और ये वाला खाना, यानी कि दो खाने ऐसे हैं जो जिनमें की बच्चों की किताबें ही हैं। क्या है बेटा, बोलिए। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज आ रही है। मुझे आ रही है। मैम आपकी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है मेरी? आदर्श कैसे रही? आदर्श कैसे रही? आवाज आ रही ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ओके। You love finding guys who really start with you. Ma'am. Ready for the game? KD. अब सुनिए आराम से। तो हम कहाँ पे थे? मौसी ने बताया कि ये दो खाने ऐसे हैं जिनमें की बच्चों की ही किताबें रखी हुई हैं। मौसी ने वीरू को किताब निकाल करके दी तो वीरू कहती है अरे ये तो बहुत मोटी है। फिर निकाल करके दूसरी किताब की कहती है तो बहुत लंबी, मेरे बस्ते में नहीं आएगी, बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। फिर जब तीसरी किताब दी तो वीरू क्या कहती है, कहती है कि ये बहुत, उसने अपने मन में फैसला किया कि ये तो बहुत पतली किताब है और इसमें पढ़ने को भी बहुत कम है और इसमें चित्र भी जो है वो कैसे हैं, छोटे छोटे हैं। तो वो कुछ समझ नहीं पा रही थी कि उसको पसंद नहीं आ रही थी कोई कोई मोटी, कोई छोटी, कोई पतली, कोई बड़ी थी।
तो ये सब देख करके उसकी मौसी ने एक फनी मूड में कहा, यानी कि हंसते हुए कहा कि ऐसा है वीरू, जब तुम अगली बार आना घर से एक खुट्टा लेकर के आना, जिससे तुम नाप सको तुम्हें कितनी मोटी बुक चाहिए, आप अपने परफेक्ट नाप करके तब ले जाना। तो हम ये लास्ट पैराग्राफ लेते हैं फिर से। वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और ये फैसला किया, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि जो पतली किताब दी थी उसकी मौसी ने, तो उसमें उसने क्या सोचा कि इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है, चित्र भी इतने छोटे छोटे से भी दे रखे हैं, इतनी छोटी छोटी तस्वीरें, यानी कि चित्र, तस्वीरें मीन चित्र, और यह किताब बहुत पतली है, यानी कि पतली सी किताब है, इसमें क्या होगा। मौसी ने कहा, वीरू मुझे तो लगता है कि तुम्हारे लिए किताब नहीं सुन सकती। अब मौसी क्या कह रही है कि ऐसा लगता है वीरू कि हम तुम्हारे लिए कोई किताब छाट नहीं पाएंगे। सुन पाना मीन छाटना, सुनना मीन छाटना, तो हम तुम्हारे लिए कोई किताब नहीं छाट पाएंगे। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक खुट्टा लेती आना। कह रही है कि जब तुम नेक्स्ट टाइम आना मेरे घर, तो क्या करना कि एक खुट्टा, जिससे क्या नापते हैं, खुट्टे से क्या आप लोग जब ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें लाइन खींचते हैं ड्राइंग कॉपी में खुट्टे से, और इंच नाप कागज में नापते हैं कि हमें कितने इंच का बॉर्डर बनाना है, कितने इंच का क्या, तो जो भी है वो नापते हैं, तो उसे फुट्टा कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हो आप लोग, स्केल। ए स्केल दे दो जरा सा, बोलते हो ना। मौसी ने हंसकर कहा, मौसी ने ये बात वीरू से हंस के बोली, यानी कि मजाकिया मूड में बोला, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले जाना, ठीक है ना। मौसी कहती है कि फुटा लेकर आना और किताब को नाप लेना, कितनी मोटी है, कितनी पतली है, कितनी जैसी मोटी पतली आपको चाहिए तो नाप लेना। फिर आगे वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई। इतनी बात मौसी की जैसे ही उसने सुनी तो उसको क्या आ गई, तो शर्म सी लगी, और उसने जल्दी से जो संदेश वाला कागज लाई थी अपनी मम्मी का, तो उसको मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई अपने घर के लिए, बहुत जल्दी से अपने घर के लिए निकल ली मौसी की आंख से। तो ये थी आपकी मेरी किताब की स्टोरी। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, बातें किताबों की। यहाँ पर किसकी बातें चल रही है, पूरा लेसन ही किताब के बारे में है। तो पहला है बातें किताबों की। बाप रे इतनी किताबें। बच्चों जब कहीं आप आसपास कोई अच्छी ऐसी चीज देखते हैं जो जल्दी नहीं दिखती है, तो उसको देख करके आपके मुख से अनायास ही निकल जाता, बाप इतना सुंदर। मान लो किसी झांकी सजाई, आपने उसको देखा तो आप अचानक से बोल उठते हो, वाह कितना सुंदर, ऐसे निकलता है ना, अचानक निकलता है। तो ऐसे ही वीरू के मुख से अचानक ही एक ऐसी बात निकली, बाप रे इतनी किताबें। हम भी अगर आप भी लाइब्रेरी में जाएंगे या बड़ी सी दुकान में जाएंगे, किताबों की बड़ी सी दुकान में जाएंगे, तो वहां पे भी आपको देख करके ऐसा ही अचानक निकलेगा, बाप रे इतनी सारी किताबें हैं यहाँ पर, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, क्या तुमने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी हैं, कहाँ, 1 मिनट,
आपको रिलीज करती हूँ। लाइब्रेरी मैम, लाइब्रेरी। हाँ तो क्या लिखेंगे, कैसे इसका आंसर लिखोगे? हाँ हमने बहुत सारी किताबें देखी हैं। हमारे विद्यालय की पुस्तकालय में और किताबों की बड़ी दुकान पर देखा है ना? Yes, हाँ जी। तो अब आगे क्या है, तुम्हारे बस्ते में भी बहुत सारी किताबें होंगी। उन सभी किताबों में से तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है, क्यों? आपके बैग में बहुत सारी किताबें रहती हैं, लेकिन आपको कौन सी किताब पसंद है ज्यादा, ये चीज बताना है। तो बताइए। मैम, आई लाइक इंग्लिश। अच्छा, और ये बताइए कि क्यों पसंद है? आपने ये बता दिया कि मुझे ये किताब बहुत पसंद है, लेकिन क्यों पसंद है ये बताइए। मुझे इसकी स्टोरी पढ़ने में और सुनने में बहुत अच्छी लगती है हिंदी। अच्छा, मुझे स्टोरी सुनने में बहुत अच्छी लगती है। अच्छी लगती है। अब जैसे मान लीजिए मैं हिंदी पढ़ाती हूँ, है ना? तो मुझे हिंदी की किताब बहुत पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि इसमें बड़े बड़े चित्र होते हैं, बड़ी बड़ी स्टोरियां, अच्छी अच्छी स्टोरियां होती है, इसलिए मुझे हिंदी की बुक पसंद है। तो आपको जो बुक पसंद हो आप उसके बारे में ही लिखेंगे। ओके, जिसको हिंदी पसंद है हिंदी, जिसको इंग्लिश पसंद है वो इंग्लिश, और जिसको ईवीएस पसंद है तो वो ईवीएस, जिसको मैथ पसंद है मैथ की वो मैथ, जिसको जो पसंद है वो अपने अपने हिसाब से लिखना है, अपनी पसंद से लिखना है। ओके, क्यों पसंद है ये भी लिखना है। हाँ जी मैम। हाँ, आई लाइक टू हिंदी बुक। ओके, बाय। ताकि मैं इंग्लिश की सूचना में थोड़े थोड़े आते हैं। अच्छा, हम इंग्लिश नहीं पढ़ पाते और हिंदी में बहुत अच्छी पढ़ती हूँ। मैं तो इंग्लिश पढ़ना चाहिए, आप रीडिंग कीजिए ना इंग्लिश की बुक की, आपको रीडिंग करना चाहिए, है ना? हाँ करेंगे। ओके, बहुत जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पर यहाँ कुछ किताबों के पन्नों के चित्र दिए हैं और उनके नाम लिखे हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कुछ जैसे कॉमिक्स बुक आती थी ना पहले, ये छोटी छोटी स्टोरी बुक है। तो इनमें जो है क्या हुआ है, इनमें बुक के नेम लिखे हुए हैं, है ना? किताबों के नाम लिखे हुए हैं। तो इसमें से ये बताना है कि इस बुक में से आप कौन सी बुक पढ़ना चाहोगे, कौन सी बुक इसमें से पसंद आ रही है। मैं बंटू मेरा दोस्त। अच्छा, मैं बंटू मेरा दोस्त। क्यों पढ़ना चाहोगी? ताकि मैम उसमें स्टोरी है। स्टोरी है, किसकी स्टोरी होगी? अरे देखिए, जब इसमें लिखा है बंटू मेरा दोस्त, तो बंटू नाम से आपको समझना चाहिए कि नाम किसका हो सकता है बंटू। ये किसी फ्रेंड की स्टोरी होगी ना? किसी क्या बात, मुझे किस्मत करना है। किसी क्या बहुत बात हो रही है, बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं।
किसी के यहाँ बहुत बातें कोई कर रहे है बैठ करके, और ये मालूम होना चाहिए ना कि क्लास चल रही, तो पेरेंट्स को जहाँ पे बात नहीं करके दूसरे कमरे में इतना बात करना चाहिए ना, है ना। तो यहाँ पर आपको जो बुक पढ़ना पसंद है उसका आप नेम लिखेंगे, तुम इनमें से कौन सी किताब पढ़ना चाहोगे, क्यों, तो यहाँ पर आपको भरना है, लिखना है, अपने अपने आप से लिखना है, इस वर्क को करके रखना है, SW डाल लीजिए, इसको आपने ही करना है ना। ये बुक्स लिख है, पहली है नाम था उसका आसमानी है, दूसरी है कृष्णा, तीसरी है बस्ती गेंद, और चौथी है बंटू मेरा दोस्त। इन बुक्स में से आप जो पढ़ना चाहें उसका नेम लिखेंगी और क्यों पढ़ना चाहेंगी ये भी आपको लिखना है, ये आप लिख करके रखेंगे, नेक्स्ट टाइम पे हम पूछेंगे, ठीक है। फिर आता है नाप तौल। मौसी ने वीरू को पुट्टा लाने के लिए क्यों कहा, क्यों कहा था, ताकि वो अपने मन पुट्टे से नाप कर अपने मन पसंद किताब को चुन सके, है ना, इसीलिए कहा। अलग अलग चीजों को नापने या तौलने के लिए अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तुम नीचे दी गई चीजों को किन चीजों से मापोगे। अब यहाँ पर कुछ चीजें दी हुई हैं और कह रहे हैं कि आप इन चीजों को कैसे किस चीज से मतलब नापेंगे या तौलेंगे, क्या माप क्या करेंगे उसकी। देखिए आप जब आजकल तो कपड़े जो मिलते हैं वो रेडीमेड कपड़े ज्यादा मिलते हैं, लेकिन जो थान में जो कपड़े बिकते हैं तो उनको कैसे नापा जाता है, जैसे कपड़े को आप कैसे माप कर सकेंगी, कपड़े को किससे नापते हैं, इंच टेप होता है ना, और इंच टेप में ही मीटर और सेंटीमीटर सब उसमें बना होता है। तो दुकानों में कपड़े की दुकान में आपने देखा होगा एक बड़ी सी मीटर, उसका उसको बोलते हैं मीटर, छड़ी जैसी होती आयरन की यानी कि लोहे की, उसमें इंच और सेंटीमीटर सब बना होता है, तो उससे वो कपड़े को नापते हैं, लेकिन बोलेंगे तो इंच टेप है ना। आम को किससे हम तौलेंगे, किससे माप की जाएगी आम की, तो आम को आप सब्जी लेने जाते हो तो आप देखते हो फल है सब्जी है ना, और क्या क्या दाल है चावल है, इन सब चीजों को कैसे मापा जाता है। सब्जी लेने जाते हैं तो किसमें तौलते हैं, वो तौल के मिलती है हमें तराजू में, तौल करके सब्जी है फल वगैरह हमें तौल करके मिलती है, वो किलोग्राम एक किलो लेते हैं, जाते होगे सब्जी लेने पापा के साथ तो आधा किलो भिंडी देना एक किलो करेला देना इस तरह से मांगते हैं ना, तो सब्जी को किलो और आधा किलो किलोग्राम में तौलते हैं। फिर आता है मेज, मेज को कैसे नापेंगे, देखा होगा बच्चों जो हमारे यहाँ जो कभी जब कारपेंटर यानी कि बढ़ई कारपेंटर बढ़ई जो है जब वो चैटिंग कर रहे हैं 8 बजे है ना, कौन कौन चैटिंग कर रहा है, कल से चैटिंग कर रहे यहाँ से ऑफ कर देती हूँ, फिर देखें कैसे आप लोग चैटिंग करते हैं। आकांक्षा आयुष नामदेव
सेटिंग हो रही है ना। ओके तो आगे बढ़ते हैं, बात सुनिए और आप करके रखना है, मैं देखूंगी नेक्स्ट टर्न पे। तो कहाँ पे थे, मेज, आपने देखा होगा जब आपके यहाँ कभी मेज बनाने या कोई भी जब दरवाजे बनाने के लिए जब आया होगा कारपेंटर तो उसको देखा होगा वो कैसे नापते हैं लकड़ी को भी, किस कैसे नापते हैं वो भी इंच टेप से ही नापते हैं। बड़ी सी, बहुत बड़ी सी रहती है, वो इंच टेप से ही नापते हैं है? तो मेज को भी इंच टेप से नापते हैं। कागज को कैसे नापोगे, कागज को हम 6 इंच या 12 इंच का क्या होता है फुट्टा उससे नापेंगे है ना। और पानी को, पानी को कैसे मापा जाएगा, पानी है, दूध है, तेल है, इन सब चीजों को कैसे मापते हैं। केरोसिन, केरोसिन को कैसे मापा जाता है, वो तराजू में तो तौलते नहीं है। और क्या होता है वो डीजल है, पेट्रोल है, ये सब किसमें होता है, लीटर में नापते हैं। पानी को लीटर में, आवाज नहीं आ रही है, मैम आवाज आपकी आ रही है, आवाज आपकी आ रही है। ओके ओके, तो पानी को हम कैसे मापते हैं, पानी है, तेल है, केरोसिन है और लीटर से मैम, तो इसको लीटर लीटर, ये लीटर से मिलता है ना। तो ये आपको पानी कैसे मिलती है, पानी कैसे लीटर से, जब आप बाहर कभी देखिए आजकल आरओ सिस्टम चल रहा है ना, आरओ वाला पानी मंगवाते हो तो वो लीटर में ही आता है ना। एक कैन आती है तो एक कैन में कितना रहता है, 10 लीटर या 20 लीटर का आता है, 10-20 लीटर। जी हाँ हाँ जी, ओके तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, आओ खेले अंताक्षरी। अंताक्षरी खेलते हैं, अभी कौन सी खेल, गाने वाली खेलते हैं, कौन सी खेलते हैं, गाने की भी खेलते हैं और कोई भी खेल लेते हैं। अच्छा, अच्छी लगता है, उसमें स्पेलिंग बतानी पड़ती है कि सब। वाओ ठीक है, तो जैसे आप इंग्लिश की अंताक्षरी खेलते हैं, इंग्लिश स्पेलिंग की, उसी तरह से हिंदी स्पेलिंग की भी अंताक्षरी खेल सकते हैं है ना। तो यहाँ पर है आओ खेले अंताक्षरी। अब तक तो तुमने बहुत सारे शब्द सीख लिए होंगे, आओ शब्दों की अंताक्षरी खेले, देखें तुम कितने शब्द बना पाते हो। खेलते हैं, गाने की भी खेलते हैं। तो जैसे किताब, तो सबसे लास्ट में क्या है, जैसे आप इंग्लिश में खेलते हो ना एप्पल, APPLE एप्पल, तो लास्ट वर्ड क्या है, ई। तो नेक्स्ट स्पेलिंग आप किससे स्टार्ट करते हो, ई से है ना। इसी तरह से हिंदी में जो लास्ट वर्ड आएगा, जैसे किताब में ब लास्ट शब्द है ना, लास्ट वर्ड क्या है ब, तो हम आगे का शब्द जो लिखेंगे वो बा से लिखेंगे। तो किताब, अंशिता बताइए, अंशिता केसरवानी, यस मैम जी बताइए, किताब, नेक्स्ट बस, बुक, बुक, बुक,
क्लास चल रही है मिट्टू बुआ। बस्ता मैं अभी बस्ता मैम बस्ता बस्ता बोलेंगे। आप अपने से बोलिए अभी मम्मी पापा में आप सोचिए और बोलिए ठीक है। आपको सोचना है ओके, मम्मी को नहीं बताना है अभी ठीक है। आपको सोचना है भले ही थोड़ी सी देर लगेगी पापा। आप सोच से बताएंगे। हाँ बाबा ठीक है गुड। हाँ नेक्स्ट क्या बोली हो अंकिता फाइनल बारात। बारात ठीक है। अब आया है बारात लास्ट क्या है सरा आप बताइए ता से। बकरी है तराजू वाला ता से बताइए सरा। तरबूज ठीक है। देखिए एक साथ सब लोग नहीं बोलेंगे, हम नाम लेकर के बोल रहे ना वही लोग बोलेंगे, जिसका नाम लेंगे पहले वो बोलेंगे ओके। ऐसे सब नहीं चिल्लाने फिर मजा नहीं आएगा। अंत्याक्षरी का मतलब है कि एक के बाद एक ओके, चिल्लाना नहीं है ठीक है। तो सर आपसे पूछा था मैंने तार से बताइए। तार तार हाँ तम कमर तार रा रा से बताइए। कमर आपको रा से बताना है। यहाँ अंताक्षरी समय मैम मैं बोल रही समर बोलिए। आप ही से पूछा जा रहा है रा से बताइए कोई हिंदी मीनिंग। रात 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 रथ रानी 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 मैंने बोला नहीं एक लोग बोलेंगे बस। आम पहचान आम हाँ आम आ से हमने ही पूछा है। आम आ के बाद जो था आता है हम उससे पूछ रहे हैं था। लास्ट आता है लास्ट आता है ना मैम बोलो। आकांक्षा आप बोलो था से क्या होगा कोई शब्द बताइए था से। मैम इसी तरह से ये तो हमने इस तरह पूछा है। तो बच्चों आज टाइम ऑफ हो गया बस यही फिनिश करते हैं। बाय बेटा बाय मैम बाय मैम बाय मैम बाय मैम बाय मैम बाय मैम।